शंकर तिवारी इनका एक साल का कार्यकाल 7 जनवरी को पूर्ण हुआ है। इस एक साल में महापौर पद पर कार्य के दौरान नागपुर महानगर पालिका द्वारा पर्यावरण, शिक्षण और आरोग्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी आज महापौर द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में साझा की गयी। दयाशंकर तिवारी इन्होंने 7 जनवरी 2021 को महापौर पद की शपथ ली थी, जिसके बाद 2.5 से 3 महीने कार्य करने के बाद कोड़ा की दूसरी लहर आई। ऐसे पद पर रहते हुए जो कार्य करना था उसे मजबूरन रोकना पड़ा। फिर जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होते गया और पाबंदियों को कम किया गया, तो फिर से पर्यावरण, शिक्षा और आरोग्य के क्षेत्र में रुके हुए कार्यों को गति दी गई। ऐसे में 7 जनवरी 2022 को महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने अपने पद का एक साल पूर्ण किया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए गए, जिसमें अत्याधुनिक अटल ई लाइब्रेरी, 6 अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों को शुरू किया गया। साथ ही 2000 बच्चों को शिक्षा हेतु टैबलेट का वितरण किया गया। साथ ही अन्य शिक्षा संबंधी कार्य भी किए गए। नगरी के महापौर पद के पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद मैं पहला महापौर होगा नागपुर शहर का जिसने पद ग्रहण किया, तो मास्क लगा करके किया, और अपनी एक वर्ष पूर्ति पर आपसे बात कर रहा है तो भी मास्क लगा कर ही करना पड़ेगा। मैं इसका उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूँ कि गत वर्ष भर में करीब करीब 5-5.5 महीने का कार्यकाल कोरोना के कारण बाधित हुआ, और केवल कार्यकाल कोरोना के कारण बाधित हुआ ऐसा ही नहीं, इसके पश्चात एक विधानसभा चुनाव आ गया और उस विधानसभा चुनाव के कारण करीब करीब 1.5 महीने की आचार संहिता लग गई। अब 5 महीने कोरोना, 1.5 महीने आचार संहिता, अर्थात 6.5 महीने का समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। और बाकी सारे महापौरों के साथ जो होता है वो मेरे साथ भी हुआ। हर वर्ष में 52 रविवार होते हैं और 5 दिन का सप्ताह होने के कारण 52 शनिवार भी होते हैं, तो इस प्रकार से 104 दिन तो इन छुट्टियों में चले गए। शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संबंधित कई कार्य भी महापौर द्वारा एक साल में किए गए, जिसमें वंदे मातरम उद्यान, 75 ऑक्सीजन जोन, इलेक्ट्रिक के 40 बसेस, सोनेगांव तालाब, गांधी सागर तालाब, पुलिस लाइन तालाब का सौंदर्यकरण जैसे कई कार्य किए गए हैं, तो कई कार्य प्रगति पद पर है। यही नहीं, स्वास्थ्य संबंधित कई कार्य किए गए, जिसमें 75 वंदे मातरम हेल्थ सेंटर, स्किल सेल रिसर्च सेंटर, 27 यूपीएचसी की संख्या एक वर्ष में बढ़कर 51 किए गए। साथ ही 50 बेड का हॉस्पिटल आयुष अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही कई कार्य प्रगति पद पर है। सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए महापौर कक्ष विद्यार्थियों का व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समुपदेशन किया जा रहा है, जिसका 600 बच्चों ने लाभ लिया है। 110 गठई कामगारों को स्टॉल वितरित किए गए। 378 सामाजिक संगठनों का स्वागत कोविड योद्धा के रूप में किया गया है। इसी के साथ कई कार्य किए गए हैं। यही नहीं, कोविड कार्यकाल में कई निर्णय लिए गए, जिसमें वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% किया गया। साथ ही इंदिरा गांधी अस्पताल में 14 बेड का ICU वार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही कई निर्णय लिए गए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।